हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग 377। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप प्रीलिम्स के एग्जाम में आईपीएस करके 80 प्लस स्कोर आपको कैसे करना है। और ये बहुत आसान है आपको करने के लिए, क्योंकि इसका एग्जाम आपको पता ही है कैसे लेवल आता है, आपका इजी टू मॉडरेट लेवल का एग्जाम रहता है और आप बहुत आसानी से जो 80 प्लस स्कोर कर सकते हैं। अगर आप 80 प्लस स्कोर करते हैं तो आप कोई भी स्टेट से हो, आपका जो सिलेक्शन है वो 100% गारंटेड रहेगा। और ये वीडियो जो भी देखता है उसको मैं आपको बता रहा हूँ कि आप 100% गारंटेड सिलेक्शन इसमें ले सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास 35 डेज बचे हैं। 35 डेज में मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ कि आपका स्ट्रेटजी प्लान क्या होगा। तो इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। आपके जो है जितने भी आपके डाउट्स आते हैं कि ये तैयारी कैसे करनी है 35 डेज में, कि आप आराम से 80 प्लस स्कोर जो है इसमें कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल बैंकिंग 377 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको सारे वीडियोस का अपडेट टाइम मिलते रहे। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ SBI क्लर्क और IBPS क्लर्क का लेवल जो है लगभग सेम रहता है, तो आप कट ऑफ भी कह सकते हैं कि दोनों की जो है ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा दोनों ही कट ऑफ में। SBI क्लर्क भी इस बार जो आया था एग्जाम, काफ़ी ईजी एग्जाम आया था और आप देख सकते हैं कट ऑफ जो है 70 के अराउंड रही थी काफ़ी स्टेट्स की। तो आप IBPS क्लर्क के भी मान सकते हैं, क्योंकि IBPS क्लर्क की वैकेंसी जो है काफ़ी ज़्यादा है SBI क्लर्क से। तो आप इसकी भी अगर पेपर उसी लेवल का आता है तो आप मान सकते हैं कि 70 के अराउंड आपकी कट ऑफ इसकी भी रहने की पूरी पूरी उम्मीद है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, IBPS क्लर्क का एग्जाम में वैकेंसी आपकी ज़्यादा है और इसमें मैं आपको 80 प्लस का टारगेट लेकर के चलवाने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं आपको सारी वीडियोज आज से मैं स्टार्ट कर दूंगा, कल से आपको सारी रीजनिंग क्वांटिटी एप्टीट्यूड और इंग्लिश की सारी वीडियोज आपको मिलेगी और आपको बताऊंगा कि मैं आपको कैसे स्कोर करना है। और मैं सबसे पहले बात आपको बता देता हूँ कि आपको 80 प्लस स्कोर प्रीलिम्स में करना कोई भी बड़ी बात नहीं है, आप बहुत आसानी से जो है इसको कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको अपना SBI क्लर्क का प्रीलिम्स का स्कोर कार्ड दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें ही मैंने सिर्फ 1 मंथ के करीब मेरे पास था, उसमें मैंने स्टडी करी थी, तो आराम से जो है मैंने इसमें जो स्कोर आप देख सकते हैं 90 प्लस मैंने स्कोर किया था इसमें। तो अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी बहुत ईजीली जो है 80 प्लस स्कोर आराम से कर सकते हैं IBPS क्लर्क के एग्जाम में, जो कि एक बहुत अच्छा स्कोर रहेगा प्रीलिम्स निकालने के लिए। देखिए, इसकी कट ऑफ जो SBI क्लर्क की जो कट ऑफ गई थी 72.25 गई थी, जिसमें मुझे 90.25 मिले थे मार्क्स। इसमें मैंने लगभग 25 डेज के करीब मैंने इसकी स्टडी करी थी। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप क्या क्या जो है आपको प्रीलिम्स पे फोकस करना है, ताकि आप जो है बहुत ईजिली स्कोर कर सके, क्योंकि इसमें हमें बिल्कुल अच्छे से ये नहीं करना है कि जो हार्ड टॉपिक है उसको करना है। अगर आप इजी इजी टॉपिक भी करते हैं और जो जो प्रीलिम्स में आता है सिर्फ उस पर फोकस रहते हैं, मेरा मानने का मतलब है कि आपको स्टडी जो करनी है वो स्मार्ट स्टडी करनी है, ठीक है। तो अगर आप स्मार्ट स्टडी में हार्ड वर्क भी आप मिला देंगे तो आपका जो है बहुत अच्छा स्कोर आपको निकल के आने वाला है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास जो IBPS क्लर्क में वैकेंसी है 12,075 वैकेंसी है। इसका जो एग्जाम होने वाला है आपका प्रीलिम्स का एग्जाम जो उसका होने वाला है, आपके चार डेट पे एग्जाम है, 7 दिसंबर, 8 दिसंबर, 14 दिसंबर, 21 दिसंबर। तो 7 दिसंबर आप मान के चलिए आपका एग्जाम है, तो आपके पास मोटा मोटी 35 डेज आपके पास बचे हैं। तो मैं बताता हूँ इन 35 डेज को आपको यूटिलाइज कैसे करना है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके एग्जामिनेशन की, ठीक है, कि आपका क्या क्या आने वाला है। सबसे पहले ये तो सबको पता ही होगा, फिर हम एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट आपको इंग्लिश लैंग्वेज आने वाली है, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी। इसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, 35 क्वेश्चन न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 मार्क्स और रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स। ये आपको पता ही होगा 20 मिनट्स के सारी विंडो रहती है आपकी और आपका पूरा टाइम जो है 1 आवर का है। तो इस पर ज़्यादा हम टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट चलते हैं कि ये चीज़ तो सबको पता है जिसने भी फॉर्म फिल किया होगा IBPS क्लर्क का। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे पहले आपका 35 डेज का जो मैंने पूरा स्टडी प्लान आपको बनाया है, ठीक है। अगर आप इस प्लान पे चलते हैं तो आप 100% गारंटी में आपको लिख के दे रहा हूँ कि आपका 80 प्लस स्कोर आना है, और 80 प्लस स्कोर ऐसा स्कोर है जिसमें आप कोई भी स्टेट से आपने भरा हो आप 100% जो है क्वालिफाई कर जाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलो चलते हैं, इस बार हम बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग सेक्शन में जो मोटा मोटी टॉपिक है मैंने वही कवर किए हैं, क्योंकि इन टॉपिक से आप 100% जो है मैं गारंटी लिख के 100% जो है आप रीजनिंग में स्कोर कर पाएंगे। सबसे पहले होता क्या है रीजनिंग में, इनइक्वालिटी और सिलोजिज्म ये पूछ जाते हैं आपके, और क्लर्क में आपको पूछे ही जाने हैं। डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज, पजल, मशीन इनपुट आउटपुट और मिसलेनियस, जो भी आपको बच गया कुछ, ठीक है। जैसे मिसलेनियस में आपके आ जाएंगे आपका जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर आ जाता है, जैसे आपको बोल देगा कोई नाम लिख के दे देगा ए बी एन टी वाई, वो फिर आपको बोलता है कि अल्फाबेटिकली जो है कौन से लेटर आपको जो मैच कर रहे थे, वो आपको देखना होता है, ठीक है।
जिसमें मिसलेनियस आपके दो तीन क्वेश्चन रहते हैं। तो सबसे पहले मैं इनइक्वालिटी की बात करता हूँ। इनइक्वालिटी आपकी 5 मार्क्स की पूछ जाती है, सिलोजिज्म आपके पूछ जाते हैं 5 मार्क्स के। और सिलोजिज्म में आपका एक ज्यादा ट्रेंडिंग में भी चला हुआ है ओनली फ्यू वाला, ठीक है, जिसकी SBI PO से SBI क्लब से स्टार्टिंग हुई थी, आपको पता ही ओनली फ्यू वाले, उसमें मैंने वीडियो बना रखी है। तो ये मैं बता रहा हूँ, आप जो इनइक्वालिटी है ये अंडर 1 मिनट आप कर सकते हैं, और सिलोजिज्म को भी विदिन 2 मिनट्स आप कर सकते हैं बहुत इजीली। इस पर मैंने वीडियोज भी बना रखी है, आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और मैं कल से जो है इन पे बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको करवाने वाला हूँ, बहुत जल्दी हम कवर कर लेंगे सब कुछ, 30 डेज में हम कवर कर लेंगे सब कुछ। जो आपकी 5 डेज के करीब बचते हैं, 5 to 7 डेज, उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरा लास्ट देखें, आपको पूरी स्ट्रेटजी पता चल जाएगी कैसे आपको स्ट्रेटजी करनी है टी प्लस मार्क्स के लिए। उसके बाद डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, लगभग ये आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं। कोडिंग डिकोडिंग अगर आपकी आती है तो इनमें से कोई एक टॉपिक आएगा, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग आपकी 5 मार्क्स पूछ जाती है। ब्लड रिलेशन से आपके 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं। अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज आपकी 5 मार्क्स की आती है। पजल की बात हम बाद में करेंगे अभी। मशीन इनपुट आउटपुट कभी कभार पूछ जाता है, अगर उसको पेपर थोड़ा सा टफ बनाना होगा तब वो मशीन इनपुट आउटपुट डालेगा, अदरवाइज ये पूछा नहीं जाता। अगर आता है तो एग्जाम्पल लेवल थोड़ा ऊपर माना जाएगा, आपको 5 मार्क्स का पूछा जाता है जो कि मेन्स का टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद मिसलेनियस 1-2 मार्क्स का आपको पूछ लेते हैं जो भी बच जाएगा। तो हम पजल की बात करते हैं, तो पजल एक ऐसा टॉपिक है जो अकेला ही आपके 15 से 20 मार्क्स कवर करने वाला है रीजनिंग में 35 में से। तो 15 से 20 मार्क्स आपके मतलब 3 से 4 पजल कौन कौन से आने वाली है मैं आपको बता देता हूँ। एक तो पजल आपकी रहती है सर्कुलर पजल, बहुत ट्रेंडिंग में है, जिसमें आपका अगर इजी पूछेगा तो नॉर्थ फेस या फिर साउथ फेस एक ही वाली पूछे, अगर थोड़ा उसको मॉडरेट करना होगा तो आप दोनों मिक्स कर देगा वो उसमें, ठीक है, जो कि पूछा नहीं जाता है लगभग कलर के एग्जाम में। तो आपको एक सिंगल साइड फेस वाला आपको सर्कुलर मिलेगा, फिर आपको लीनियर अरेंजमेंट मिलेगा, उसके बाद आपका एक स्क्वायर पजल आने स्टार्ट हुई, आपकी स्क्वायर पजल आ सकती है। उसके बाद आप बोल सकते हैं आपकी रेक्टेंगुलर पजल वही स्क्वायर पजल में आ गई। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा फ्लोर बेस्ड पजल आपकी आ जाती है, ठीक है। और एक और आपको देखने को मिलेगा कि जो आपकी मंथ वाइज पजल आती है, मैंने सारी पजल जो है एक एक बार कवर कर चुका हूँ, दोबारा से मैं इन पे जो है बिल्कुल बेसिक लेवल से टफ लेवल तक आपको पूरी पजल करा दूंगा। तो आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले, ताकि आपको सारी वीडियोस को अपने टाइम टाइम मिलते रहे। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा हूँ कि पजल आपको करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी जो पजल आती है 4 से 5 लाइन की रहती है, वो आप विदिन 2 से 3 मिनट्स जो है आप इजिली पजल अटेंड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, पजल नहीं करनी होती है, सबसे पहले ये टॉपिक करने के लिए जिसमें आपको मार्क्स गेन करने हैं। इससे अगर आप मार्क्स गेन कर लेते हैं, अगर मान लीजिए आपने विदिन 5 से 6 मिनट में 10 से 15 मार्क्स आपने गेन कर लिए है, तो आपके पास एक कॉन्फिडेंस बन जाएगा कि आपके पास अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ आप जो है बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं रीजनिंग में, या फिर जो भी आप सेक्शन उस टाइम पे अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इनइक्वालिटी अटेम्प्ट करनी आता है, तो सिलोजिज्म अटेम्प्ट करना है, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज, ये सब आपको कंप्लीट कर लेना है। लास्टली आपको टच करना है पजल, क्योंकि फ्रेंड मैं ये आपको बताने वाला हूँ कि अगर पजल कर रहे हैं, मान लीजिए आप एक पजल में अटक जाते हैं, तो आपके जो है 4 से 5 मिनट चले जाते हैं, और फिर उस पजल की सॉल्व होने की संभावना भी लगभग ना के बराबर रहती है, क्योंकि उस टाइम का जो प्रेशर रहता है उस पर अगर आप एक बार पजल में गलती करते हो तो आप जो है उसमें अटक जाते हैं, और आपके जो एग्जाम में आप मार्क्स गेन कर रहे हैं उसमें ये नहीं देखा जाना कि आपने पजल से मार्क्स गेन कर रहे हैं या फिर इनइक्वालिटी से मार्क्स गेन किए हैं, सिलोजिज्म से किए। तो 5 मार्क्स जो आपके आ रहे हैं वो आपको सिलेक्शन दिलाने वाले हैं, ये नहीं वो देखाएगा कि आपने पजल बनाई थी या क्या बनाया। तो आपको जो है सबसे पहले उन टॉपिक को कवर करना है जो आपकी स्कोरिंग है, और स्कोरिंग मैंने आपको बता दिया क्या क्या आपका स्कोरिंग है। सबसे पहले करना है इनइक्वालिटी आपको करनी है, सिलोजिज्म करना है, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन करने हैं, कोडिंग डिकोडिंग आते हैं बहुत ईजी है, मैंने इसको आपको मेथड भी बताया हुआ है, मैं दोबारा से ये वीडियो आपको कराऊंगा बिल्कुल नए सिरे से, मैं बिल्कुल शुरू करवाने वाला हूँ कल से। उसके बाद ब्लड रिलेशन और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, तो ये सब आप कर लेंगे तो आपका जो है आराम से इसमें आप 30+ स्कोर कर सकते हैं। 30+ भी मैं बोलूंगा आप 30+ को भूल जाइए, आप बोलूँगा 35 पे 35 आपको करना है इसमें अटेम्प्ट। मैं बता रहा हूँ हर एक स्टूडेंट जो भी थोड़ी मेहनत करेगा वो आप आराम से 35 स्कोर कर सकते हैं इसमें विदिन 20 मिनट्स। तो फ्रेंड इसके बाद हम बात करते हैं आपकी क्वांटिटी एप्टीट्यूड की। क्वांटिटी एप्टीट्यूड भी जो है बहुत स्कोरिंग होता है। इससे सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले जो मेन टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन, ये आपको एट अराउंड 35 में से 15 मार्क्स के IBPS क्लर्क के एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं, जो 15 में से आप 15 मार्क्स आपको गेन करने हैं। तो इसमें बता दो, इसमें आपको विदिन 4 to 5 मिनट आपके 15 मार्क्स आराम से आएंगे, ये मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, मैं आपकी तैयारी कराऊंगा कल से, और आप जो है चैनल पर बने रहिए। तो मैं बता रहा हूँ 4 से 5 मिनट में आप जो है आराम से 15 मार्क्स जो है मैं क्वालिटी एप्टीट्यूड में आराम से ला सकते हैं। उसके बाद आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 मार्क्स की आती है, मिसिंग सीरीज 5 मार्क्स की, इन दोनों में से कोई आपकी एक आएगी जो कि 5 मार्क्स की रहेगी दोनों मिलाकर, ठीक है, या तो आपकी मिसिंग सीरीज आएगी, रॉन्ग नंबर सीरीज आएगी। रॉन्ग नंबर सीरीज थोड़ी सी टफ साइड हो जाती है, मिसिंग सीरीज जो है आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद
डीआई आपके डीआई रहते हैं, डीआई की अगर बात करें आपके दो डीआई आपको देखने को मिलने वाले हैं, वो बहुत आसान डीआई रहेगा, इसमें कोई वो नहीं रहेगा, सिंगल वेरिएबल आपके डीआई रहेगा, ठीक है। तो डीआई की प्रैक्टिस भी मैं आपको कराऊंगा कि आपको कैसे डीआई को अप्रोच करना है, क्योंकि डीआई हर कोई बना लेगा आईपीएस क्लर्क के एग्जाम में, बस फर्क कितना रहता है कि आप कितने कम टाइम में कितनी फास्ट कैलकुलेशन के साथ आप जो है डीआई को बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके मिसलेनियस टॉपिक बचे जो कि आपको यहां से कवर करने हैं। मिसलेनियस में सबसे पहले आपको क्या करना है, टाइम एंड वर्क काफी अच्छे से कंप्लीट करना है, प्रॉफिट लॉस, एज प्रॉब्लम, एवरेज, SICI एंड रेशियो प्रोपोर्शन। अगर आप इतना कंप्लीट पोर्शन कर लेते हैं तो मैं मैथ्स में गारंटेड बोल सकता हूँ आपको 30 प्लस मार्क्स आप आराम से जो है विद इन 20 मिनट्स आईपीएस क्लर्क के एग्जाम में ला सकते हैं। और ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि मैं इसका प्रैक्टिकल कर चुका हूँ, मैंने सिर्फ कैलकुलेशन पर ध्यान दिया था तो मुझे भी जो है आराम से 30 प्लस स्कोर आया था क्वांटिटी एप्टीट्यूड में। तो जब मैं कर सकता हूँ तो आप भी जो है बहुत इजीली कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ हमेशा से। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप बहुत आसानी से जो 30 प्लस स्कोर क्वांटिटी एप्टीट्यूड में आराम से स्कोर कर सकते हैं। तो इसके इस पर मैं पूरी वीडियो आपको बता दूंगा, स्टार्टिंग से मैं लेके आऊंगा सिंप्लीफिकेशन एप्रोक्सीमेशन की, जो भी कैलकुलेशन की ट्रिक्स है कैसे आपको जो है सोल्व करना है वहां पर कैलकुलेशन। तो फ्रेंड्स के बाद हम बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की, जो कि एक बहुत बड़ा हर्डल है। आपको लगता है कि कैसे इंग्लिश लैंग्वेज में अच्छा स्कोर करना है, तो सबसे पहले इसका एक ही मेथड है, एडिटोरियल को आपको रीड करना है, द हिंदू का या फिर इंडियन एक्सप्रेस का, जहां से भी आपको आर्टिकल मिल जाए वो करना है, वो उसके बेस पर आपको 10 वोकैबुलरी डेली आपको नोट डाउन करनी है, उसको लर्न करने की कोशिश करनी है, ठीक है। क्योंकि अगर आपके पास अभी अगर 3 डेज आप लेके चले 30 × 10 300 आपकी वोकैबुलरी होगी, जो कि बिल्कुल न्यू वोकैबुलरी रहेगी और एडिटोरियल की वोकैबुलरी रहेगी, मेरे ख्याल से काफी इनफ है आपको इंग्लिश में 20 प्लस स्कोर लाने के लिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक इंग्लिश का डेली वन सेट सोल्व करना है विद इन 20 मिनट्स में। उसको सोल्व करने वाला आपको देखना है कि इसमें आप मार्क्स कितना स्कोर कर रहे हैं, 10, 12 स्टार्टिंग में अगर आप इतना भी कर रहे हैं तो 30 डेज बाद मैं गारंटी आपको लिख सकता हूं, अगर आप ये सब फॉलो कर रहे हैं आप आराम से जो है 20 प्लस स्कोर जो है इंग्लिश में करोगे आईपीएस क्लर्क के एग्जाम में। उसके बाद आपको क्या करना है, सेट करने के बाद जो भी क्वेश्चन नहीं हुए उनको एनालाइज करना है, कैसे हो सकते थे, जो भी यहाँ पे आपको वोकैबुलरी दिख रही है कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी है आपको नहीं आती है वो आपको नोट डाउन करना है और मेमोराइज करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो ये सिर्फ चीज जब आप करोगे 30 डेज तक तो आप देखोगे कि आप जो है एक अच्छी पोजीशन पे खड़े हो। उसके बाद आपको क्या करना है, आपके पास 1 वीक बचा है, ठीक है, 30 डेज कंप्लीट आपके 1 वीक का आपके पास टाइम बचेगा, उसमें आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, उसमें आपको क्या करना है, हर दिन आपको 2 मॉक टेस्ट देने हैं। आप कोई भी साइट से मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हैं, 2247 का आप परचेज कर सकते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ क्वेश्चन चाहिए और मॉक टेस्ट चाहिए, क्योंकि मॉक टेस्ट बहुत हेल्प करने वाले हैं, आपको बताया कि आप कैसे टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं। इसके ऊपर मैं नई वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आपको टाइम मैनेजमेंट करके चलना है, कैसे आप जो है बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, कैसे अपने माइंड को जो है बिल्कुल वहां पर डाइवर्ट नहीं होने देना है कि कौन सा क्वेश्चन करना है क्या करना है। सबसे पहले आप मॉक टेस्ट देंगे तो उससे आपको जो है काफी परेशानी सोल्व हो जाएगी। उसका टेस्ट देने के बाद सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट क्या करते हैं कि एनालाइज नहीं करते टेस्ट को, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, 80 प्लस स्कोर करना है, तो आपको टेस्ट को एनालाइज करना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सोल्व ऑल द क्वेश्चन इन द मॉक टेस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द टेस्ट, ठीक है। आपने टेस्ट कंप्लीट कर लिया, उसके बाद जितने भी क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे ये नहीं कि उनको छोड़ देना है। अगर आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो, जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे उनको आप छोड़ दे रहे हो, ठीक है, तो आपका जो है नॉलेज बिल्कुल भी नहीं बढ़ी, आपकी वहीं की वहीं जो है नॉलेज है, तो आपको ये नहीं करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसको एनालाइज करना है टेस्ट को, ठीक है। उसका आप देखोगे कि आप में जो है काफी इंप्रूवमेंट हो रही है, जो भी टॉपिक आपका वीक था वो भी आपका जो है स्ट्रॉन्ग होता जाएगा धीरे धीरे। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको बताई थी, आप बहुत आसानी से जो है 80 प्लस स्कोर कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया 80 प्लस स्कोर करना आईपीएस क्लर्क के एग्जाम में, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपको लगे कि काफी टफ चीज है, ठीक है। तो आप 80 प्लस स्कोर बहुत आसानी से कर सकते हैं और अभी आपके पास सफिशियंट टाइम है, आप जो है 100% में लिख के दे रहे हो, अगर ये चीज फॉलो करते तो आप प्रीलिम्स बहुत आराम से निकाल लोगे। उसके बाद मेंस का बचता है, तो मेंस आपके क्या एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है आपका ऐड हो जाता है, जो कि बात होती है जनरल अवेयरनेस की, इसके ऊपर मैं आपको जो है अलग से वीडियो बना करके दे दूंगा। सबसे पहले आप प्रीलिम्स पे थोड़ा फोकस करिए, आप 10 से 15 दिन में आपका प्रीलिम्स का थोड़ा आपका बन जाएगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका कॉन्फिडेंस जो है बूस्ट हुआ है, जिससे आप जो है मेंस की अच्छी तैयारी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स कल से आपको वीडियो देखने को मिलेगी पूरा बेसिक लेवल से, जिन्होंने भी जो भी एस्पिरेंट्स अभी सीरियस अच्छे से स्टडी करना चाहते हैं वो चैनल को फॉलो कर सकते हैं, मैं इस पर सारी वीडियोज आपको दूंगा जो भी आप चाहते हैं। तो फ्रेंड्स आप क्वेश्चन कहीं से भी सोल्व कर सकते हैं, जहां से आपको क्वेश्चन मिलते हैं वहां से आप क्वेश्चन जो है लगा सकते हैं, और अगर आपको रेफरेंस लेना है बेसिक सीखना है तो आप वीडियोज को देख सकते हैं जाकर के प्ले लिस्ट में। और फ्रेंड जो भी आपको प्रॉब्लम रहती है आप जाके कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि आपको कौन सा टॉपिक जो है प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो मैं आपको जो है वो टॉपिक आपको कल से कंप्लीट करा दूंगा। तो फ्रेंड्स यही था इस वीडियो में, तो 80 प्लस स्कोर आप आराम से इसमें कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया है।
तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल बैंक 377 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए बैंक 377 को, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको सारे वीडियोस को अपडेट टाइम टाइम मिलते रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड, हैव अ नाइस डे।